एसक्यूएल के अंदर हम MySQL के अंदर हम वेयर क्लास को स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डाटा फैच या रिट्रीव करता है आपके टेबल में से। तो इसी तरह आप वेयर क्लास को यूज़ करते हुए कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं और कंडीशन जो है वो कंडीशन को मैच करते हुए स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव करने हो तो वेयर क्लास को यूज़ किया जाता है। वेयर क्लास अलाउ यू टू स्पेसिफाई सर्च कंडीशन फॉर द रॉ रिटर्न बाय अ क्यूरी। एक क्यूरी से जो रिजल्ट रिटर्न होना है उसमें आपने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो उस कंडीशन या क्राइटेरिया को फुलफिल करता होगा वो रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव होगा। तो वेयर क्लास जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होती है। सेलेक्ट स्टेटमेंट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं तो इसका सिंटेक्स जो है सेलेक्ट का सेम जो कि हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर सेलेक्ट वीडियोस के अंदर जो है वो देख चुके हैं। तो वेयर इज़ आल्सो कीवर्ड और वेयर के साथ जो है वो आप सर्च कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं और ये सर्च कंडीशन जो है इस कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर लॉजिकल ऑपरेटर मीन एंड और नॉट और उसके साथ जो है आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके लेस देन greater than equal to not equal to greater than equal to और less than equal to relational operators को combine करके जो है वो आप एक search condition को जो है वो build करते हैं और उस search condition के against जो है वो evaluate होगी और उसके जो है boolean result return होगा जो कि true या false होगा। तो अगर जो true होगा उस true के against जितने भी records जो हैं retrieve होंगे वो display होंगे screen आपको retrieve होंगे fetch होंगे टेबल में से और जो फॉल्स होंगे वो रिकॉर्ड जो हैं वो टेबल या रिलेशन में से रिट्रीव नहीं होंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो के साथ वेयर क्लास यूज़ होती है और वेयर क्लास इसके अलावा अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी यूज़ होती है और जब हम अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें हम वेयर क्लास को भी यूज़ करेंगे। और जो इसकी एवेल्यूएशन है वेयर क्लास की उसकी हायरार्की इस तरह बनती है। वेयर क्लास जो है हमेशा फ्रॉम कीवर्ड के बाद एवेल्यूएट होती है और सेलेक्ट स्टेटमेंट से पहले एवेल्यूएट होती है। यानी कि फ्रॉम के बाद जो है वेयर क्लास एवेल्यूएट होगी एसक्यूएल क्यूरी के अंदर और सेलेक्ट से पहले होगी और बाद में जो है ऑर्डर बाय क्लास यूज़ होगी जो कि हम लास्ट वीडियोस में जो है वो देख चुके हैं। तो ये हमारे पास वेयर क्लास जो है कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होती है। कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिकली MySQL के अंदर देखेंगे और टेबल में से डाटा को रिट्रीव करेंगे तो कैसे वेयर क्लास यूज़ होती है इसको हम अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ज़रिए जो है हम डाटा एक्सेस करेंगे। मेरे पास एक डाटा बेस है यूज़ एम्प्लॉयज़, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये डाटा बेस थी। अगर हम इसके टेबल्स देखें कि इसमें टेबल्स कौन से अवेलेबल हैं तो आप शो टेबल्स की कमांड के थ्रू इसको देख सकते हैं कि आपके पास इस डाटाबेस के अंदर ये तमाम टेबल्स अवेलेबल हैं। मैं एम्प्लॉयज़ टेबल को जो है इसको यूज़ करूँगा और यहाँ पे जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट को जो है यूज़ करते हुए सेलेक्ट के साथ वेयर को यूज़ करते हुए अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टेबल का नाम जो है वो मेरा एम्प्लॉयज़ है। अब यहाँ पे मैंने वेयर क्लास जो है वो स्पेसिफाई की। वेयर क्लास जो है वो बेसिकली कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए जैसे भी हमने स्टडी किया तो मैं फील्ड का नाम है डेजिनेशन और इस इक्वल के साइन के साथ मैं कहता हूँ जी कि सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है मेरे टेबल के अंदर उसको उनका रिकॉर्ड जो है सिर्फ रिट्रीव करें। तो अब हम जो टेबल्स था उसमें जो सेल रिप्रेजेंटेटिव थे जिनके डेजिनेशन उनके रिकॉर्ड्स जो है वो रिट्रीव करके इस क्यूरी के ज़रिए आपके सामने डिस्प्ले हो गया। तो इक्वल का साइन हमने यूज़ किया वेयर के बाद और उसमें से रिकॉर्ड को जो है वो रिट्रीव कर लिया। इसी तरह जो है हम सेलेक्ट स्टेटमेंट एस्टेरिक का मतलब तमाम के तमाम कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर क्लास को यूज़ करते हैं और हम कहते हैं जी कि यहाँ पे कंडीशंस हम लगाते हैं जी डेजिनेशन इज इक्वल टू सेल्स सेल रिप्रेजेंटेड या हम इधर कर देते हैं मैनेजर्स मैनेजर एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख। अब ये एंड ऑपरेटर को हमने यूज़ किया है वेयर क्लास के अंदर। डेजिनेशन जिनका मैनेजर है
और जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है उनके रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव कर रहे हैं और एंड ऑपरेटर को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे हमने इंटर किया तो हमारे पास एक रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव हुआ जिसकी सैलरी 1,05,000 है। तो ये जो कंडीशन है ये एवेलुएट एज ए ट्रू एवेलुएट हुई है। इसी तरह आप और कंडीशंस भी जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू सेल्स रिप्रेजेंटेड, या और अब मैंने यूज किया इसको हम कर देते हैं जी के डेजिग्नेशन जो है क्लर्क जी। अब हम जो है और कंडीशंस के साथ जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। वेयर के बाद मैंने कहा कि डेजिग्नेशन इनका सेल रिप्रेजेंटेटिव है या जिनका क्लर्क डेजिग्नेशन है और ऑपरेटर को, दोनों कंडीशन में से जो भी ट्रू होती है उनके रिकॉर्ड रिट्रीव करने। तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए, 2 सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं और 2 क्लर्क्स के डेजिग्नेशन थे जिनके रिकॉर्ड जो है हमने रिट्रीव कर लिया। तो दैट इज़ सेल्स और ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमने इसको जो है अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ किया है। इसी तरह आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करें, इसके साथ हम यूज़ करते हैं बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट स्टैटिक, इनके सारे के सारे कॉलम्स रिट्रीव होने एम्प्लॉयज वेयर जी। अब हम कहते हैं जी कि सैलरी बिटवीन जो है बेसिकली दैट इज़ ऑपरेटर की हुआ है जो कि एक स्पेसिफिक रेंज के में जो है आप रिकॉर्ड्स रिट्रीव करना चाहते हैं 20,000 एंड 50,000। अब मैंने कंडीशन स्पेसिफाई की है बिटवीन के थ्रू, बिटवीन जो है वो बेसिकली रेंज आपने स्पेसिफाई की, यानी कि बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। बिटवीन ऑपरेटर जो है ट्रू रिटर्न करेगा जो कि इस रेंज के अंदर लाइक करता होगा, यानी कि आपने मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर दी। मिनिमम मैंने 20,000 बताई और मैक्सिमम 50,000 बताई है। अब आप इंटर करें तो आपके पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि इस रेंज के अंदर फॉल करते हैं जिनकी सैलरी 20,000 और 50,000 के दरमियान में है। तो अब हमने बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए जो है रिकॉर्ड रिट्रीव किया, दैट इज़ ऑल्सो यूज जो है विद वेयर क्लास के साथ जो है हमने इसको यूज़ किया। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसकी एक एग्जांपल और देखते हैं वेयर जी। अब हम जो है फर्स्ट नेम जो है यूज़ करते हुए लाइक ऑपरेटर बेसिकली यूज़ होता है पैटर्न स्पेसिफाई आप करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ से हम ए नाम जिसके स्टार्ट हो रहे हैं और वाइल्ड कार्ड जो है परसेंटेज यूज़ किया, आगे जितने भी उसके करैक्टर आते हैं, क्वेश्चन मार्क जो है वो सिंगल करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और परसेंटेज साइन जो है दैट रिप्रेजेंट मोर देन वन करैक्टर, एनी नंबर ऑफ करैक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब आप इंटर करेंगे तो जस्ट जी कॉमा यूज़ कर लिया, सेमी कॉलन लगना था हमारे पास, इसको यहाँ पे सेमी कॉलन को स्पेसिफाई करते हैं, एंटर कीजिएगा। तो अब हमने यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यूज़ किया था, ए से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं उनको जो है डिस्प्ले करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल अवेलेबल था एग्जांपल में उसमें आमिर जो है दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स ए से जो है वो स्टार्ट कर रहा है। तो इस क्यूई में जो है हमने लाइक ऑपरेटर को वेयर क्लास के साथ यूज़ किया और डाटा को रिट्रीव किया। इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसे इन ऑपरेटर कहते हैं, इन ऑपरेटर जिसमें आप वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं और उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो भी वैल्यू मैच करती होगी उस रिकॉर्ड को जो है वो रिट्रीव करें। लेट्स से एग्जांपल एक देखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज जी वेयर। अब हमारे पास इन हम कहते हैं डेजिग्नेशन को यूज़ करते हैं और इन दैट इज़ द ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम कहते हैं जी के मैनेजर कॉमा क्लर्क
और इसके अलावा आप और भी जितने स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कर लें। फिलहाल दो मैंने वैल्यू स्पेसिफाई की हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि क्यूरीज के अंदर जो है इस क्यूरी के अगेंस्ट जो मैच करते हैं इस कंडीशन के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर जो कंडीशन दी हैं उन रिकॉर्ड को रिट्रीव करें, यानी कि मैनेजर, क्लर्क और अगर सो ऑन जो भी आपने स्पेसिफाई किया है वो आप के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैच करते हुए इन ऑपरेटर के थ्रू जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली इन ऑपरेटर जो है आपको फाइंड आउट करता है स्पेसिफिक वैल्यूज जो आपने स्पेसिफाई किया है। तो मैंने इन ऑपरेटर ने फाइंड आउट किया कि मैनेजर्स और क्लर्क्स कितने हैं, वो उन लिस्ट में से उसमें से वैल्यूज जो है वो रिट्रीव करके हमें डिस्प्ले कर दिया। तो दैट इज़ इन ऑपरेटर जो है यूज़ हुआ। तो इस तरह ये हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट की एग्जांपल सी कुछ हमने देखी, सेलेक्ट के साथ वेयर को यूज़ करके देखा, यानी कि वेयर क्लास को हमने यूज़ किया इस वीडियो के अंदर, और हमने देखा कि वेयर जो है वो किस तरह सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं, और कंडीशन मैच होती है तो उस कंडीशन के अगेंस्ट जो है वो रिकॉर्ड्स जो है वो रिट्रीव होते हैं और डिस्प्ले करता है आपको।